मेरे बारे में आकाशवाणी हो रही है, कैमरे लगाए हुए हैं, ये जो लक्षण है इसके बारे में मैं आज आपसे बातचीत करूंगा। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्तिज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। एक लड़के का मुझे फोन आया कुछ दिन पहले। उसके पिताजी करीब करीब उम्र 50 साल की, और पिछले 3-4 महीने से उनको ये सिम्टम्स है, मगर वो खुद मानते नहीं है कि मुझे कोई बीमारी है। उनको लगता है कि सच्ची है ही। मैंने पूछा क्या होता है, तो बोले उनको ऐसा लगता है कि मेरे सामने हिस्ट्री है कि भाई कोई मेरे बारे में बात करता है, लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं, कोई लोग खड़े तो बोलते देखो मेरे बारे में बात चालू है, कोई साजिश मेरे बारे में कर रहे हैं, और उनको फिर उनकी आवाज भी कभी कभी आने लगती है। उनको लगता है कि कोई मेरे पीछे लगा हुआ है, वो मेरा पीछा कर रहा है, तो वो ऐसा पीछे मुड़ मुड़ के देखेंगे, कोई है तो नहीं, कोई है तो नहीं, कोई देख रहा क्या, कोई मुझे पकड़ेगा क्या, इस तरह से। और फिर मेरे बारे में आकाशवाणी में, टीवी में बातें चलती रहती है कि इसने कुछ तो भी गलती की है, इसको पकड़ो, इसको पकड़ेंगे, इस तरह की बातें होती रहती है। और उनको ऐसा लगता है कि जो वो सोचते हैं वो लोगों को मालूम पड़ता है, जो भी वो सोचते हैं लोगों को मालूम पड़ता है, और फिर वही वो लोग बोलते रहते हैं आपस में। उनको ऐसा लगता है कि पड़ोस वाले ने कैमरे लगाए हुए हैं और वो कैमरे से इनकी पूरी हलचल जो है वो कैच करते रहते हैं, उन्होंने रिकॉर्ड की हुई है, वीडियो रिकॉर्डिंग है। फिर इसकी वजह से उनको नींद नहीं आती, चिड़चिड़, गाली गलौज करना, लोगों को छोटी छोटी बात के ऊपर बहुत चिढ़ जाना, और इसका कोई निश्चित कारण को समझ में नहीं आया। धीरे 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 बढ़ते गया, उनको पहले लगा कि ठीक है ऐसा कुछ तो भी चिड़चिड़ कर रहे हैं, स्वभाव ऐसा कुछ तो भी हुआ है। ऐसा धीरे बढ़ते 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 अभी इतना हो गया कि अभी उनका काम धंधा बंद हो गया, घर में रहते हैं, डरे हुए रहते हैं, कभी लगता है कि पुलिस आ जाएंगे, पकड़ के लेके जाएंगे, लोग पकड़ेंगे, मारेंगे, पिटेंगे, ऐसा उनको लगता है, वो घबराए रहते हैं। तो ये टिपिकल पैरानॉइड स्किजोफ्रेनिया का पेशेंट है। मगर हम जब स्किजोफ्रेनिया बोलते हैं तो कम से कम 6 महीने ये सिम्टम होने चाहिए, तभी हम स्किजोफ्रेनिया बोलेंगे, मगर पैरानॉइड साइकोसिस तो है ही पक्का। और फिर उसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि ये लोग, उनको लगता है कि अपने को कोई बीमारी नहीं है, डॉक्टर की तरफ आने को तैयार नहीं, तकलीफ देते रहते हैं घर में, जबरदस्ती लेके गए तो फिर उनको बहुत गुस्सा आता है। अच्छा, इनको जबरदस्ती डॉक्टर की तरफ लेके गए तो डॉक्टर को वो थ्रेट कर दे कि मैं तुमको देख लूंगा, तुम्हारे बारे में पुलिस में कंप्लेंट करूंगा, या तुमको मैं कोर्ट में खींचूंगा, मैं क्या पागल हूं क्या, जबरदस्ती सब लोग पकड़ के आ रहे हैं, इनको मेरी स्टेट चाहिए इसलिए मेरे को उन्होंने पकड़ के लाया। फिर डॉक्टर भी घबरा जाता है कि नहीं भाई, इनका आपस में कुछ झगड़ा होगा, झंझट होगा, बाकी 2-3 लोग इनको पकड़ के ला रहे, उनका आपस में पता नहीं क्या है, तो फिर हमने क्यों हाथ डालना। इसलिए फिर साइकेट्रिस्ट भी डरता है। और आजकल ऐसा हो गया कि नए मेंटल हेल्थ एक्ट के अनुसार यदि वो पेशेंट नहीं बोलता है तो हम जबरदस्ती इलाज नहीं कर सकते, जबरदस्ती ऐसे पकड़ के इलाज नहीं करेंगे, फिर प्रॉब्लम हो जाता है। फिर मैंने उनको बोला ठीक है, अभी आप ऐसा करो कि पहले आप 2-3 लोग मिलके पहले ठहरा लो कि इनको जरूरत है क्या इलाज करने की, और फिर आप मेरे को राइटिंग में दे दो कि यस हम चाहते हैं कि इनका इलाज होना चाहिए, उनकी पत्नी, उनके बेटे, ऐसा सब मिलके बोलो कि भाई इनको ऐसा प्रॉब्लम है, फिर मैं इनको कोई दवा दूंगा जो आप उनको बिना बोले दे सकते हैं, फिर वो बिना बोले दवा दे दो फर्क पड़ेगा, या फिर मैं इंजेक्शन देता हूँ, इनको इंजेक्शन दे दो, आपके प्रैक्टिशनर से, जनरल प्रैक्टिशनर होंगे उनसे, आपके फिजिशियन होंगे उनसे दवाई इंजेक्शन वो दे दो, उनको बोलो कि भाई ये दवाई उन्होंने दी है, मैंने नहीं दी, और फिर ये आप करेंगे तो फायदा हो जाएगा डेफिनेटली, क्योंकि क्लासिकल के ऐसे पैरानॉइड साइकोसिस है। अभी 2-4 महीने से ऐसा कर रहे हैं, ज्यादा करते हैं, ज्यादा चलता है, तो हम बोलेंगे इसको पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया है। बोले ठीक है, हम ऐसा करते हैं पहले आप दवा दे दो लिक्विड, कि जो देने से हमको मालूम ही नहीं पड़ता कि उनको दवाई चालू है करके। तो मैंने उनको लिक्विड दिया जिसको टेस्ट नहीं है, उसको रंग नहीं है, उसको सुगंध नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो दवाई दिया। और मैंने बोला कि उन्होंने जब लिखित स्वरूप में मुझे सब लोगों ने दिया लिख के कि भाई नहीं इनको ये प्रॉब्लम है और उनको समझ में नहीं आ रहा है, फिर मैंने ठीक है अभी मैं देता हूँ दवाई, उनको दवाई दिया, दवाई देके उनको फर्क पड़ने लगा, उनका चिड़चिड़ेपना कम हो गया, उनको नींद आने लगी, और धीरे 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 हमने दवाई बढ़ाई, और फिर धीरे धीरे उनका ये जो था कि मेरे को आवाज आ रहे हैं, लोग पकड़ेंगे, लोग बातें कर रहे, ये सब धीरे 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 खत्म हो गया। बोले अभी मेरे को ऐसा लगता नहीं, अभी नॉर्मल लग रहा करके। तो ये टिपिकल साइकोटिक सिम्टम्स है ये, और इसमें खुद को ऐसा लगता नहीं उनको कि अपने को बीमारी है। तो लोगों का स्टैंड आजू बाजू के लेना जरूरी है, उनको केयर टेकर्स है, वो केयर टेकर लोग यदि बोलते कि नहीं इसको अभी जरूरत है इलाज करने की, और वो स्टैंड लेते तभी संभव है। होता क्या है कि अभी बड़ा आदमी है, उनके लड़के भी बड़े बड़े, मगर उनको लड़कों को लगता है कि नहीं अपने पिताजी है, उनको कैसा पकड़ेंगे, बाकी तो उनका ठीक लगता है, ये इतना छोड़ दिया तो हिम्मत भी नहीं करते पकड़ने की, जबरदस्ती लाने की, और उसमें फिर प्रॉब्लम हो जाता है। फिर इनका इलाज जैसा भी 2-4 महीने निकल गए आगे, क्योंकि 2-4 महीने आगे निकल गए और 2-4 महीने निकल गए तो फिर वो पुरानी बीमारी होती, फिर ठीक नहीं होती। तो मेरा कहना ये है कि आपको जैसा भी लगा कुछ एबनॉर्मिलिटी है तो तुरंत आपने कंसल्ट करना चाहिए, ताकि वो जाके आगे बीमारी बढ़े नहीं, और इलाज हम करते हैं तो नॉर्मल हो सकते जल्दी से जल्दी। ये वीडियो आपको चला जो लोगों को शेयर करो, थैंक यू वेरी मच। गूगल स्टोर से आप
डॉक्टर केयरकर ये नाम का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और ये ऐप में आप फ्री चैटिंग कर सकते हैं, अलग अलग ऑनलाइन कोर्सेस है वो डाउनलोड कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा अपने खुद के लिए फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू।